गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसके अंदर बायोलॉजी का कुछ कंटेंट है वो हमारा चैप्टर 8 है, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, एक जो स्पोर्ट पर्सन होता है या जो एथलीट होता है उसको अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि वो अपना खुद का जो है वो केयर कर सके। मतलब एक स्पोर्ट पर्सन को अपनी बॉडी का जो है वो कंप्लीट जानकारी या कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो उसको अपनी बॉडी को जो है प्रॉपर तरीके से रखने में जो है हेल्प कर सके। इस चैप्टर के अंदर ये दे रखा है कि एक स्पोर्ट पर्सन को किस तरह से अपनी बॉडी का जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। यहाँ पर एनाटॉमी जो मेन वर्ड का मतलब है वो है बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एनाटॉमी का वैसे तो मेन होता है कि बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हमें स्टडी करते हैं तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, आउटर अपीयरेंस जो है बॉडी का उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। द वर्ड एनाटॉमी इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाइन टोमी, वेयर एना मीन्स पार्ट एंड टोमी मीन्स टू कट। इन फिजियोलॉजी द फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स आर स्टडीड। ठीक है, हाँ, एनाटोमी फिजियोलॉजी के अंदर हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए। फिजियोलॉजी के अंदर हम करते हैं किसकी फंक्शन की बात, एनाटोमी के अंदर हम करते हैं स्ट्रक्चर की बात, और फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं हम उन ऑर्गन्स की या बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उनके फंक्शन की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स नेमली फिजियो एंड लॉजी, वेयर फिजियो मीन्स नेचर एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी। वी विल स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कुल मिला के इसमें यही दे रखा है, एनाटॉमी क्या होती है, अगर बॉडी की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं तो एनाटॉमी है, और अगर हम बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी है। डिफाइन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड देयर इम्पोर्टेंस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन ऑफ द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डिटेल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइड इन ह्यूमन एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल द शेप, साइज, वेट, स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम सच एज लंग्स, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन, इट इज आर स्टडी इन द ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी कैन बी डिफाइन एज द साइंस डीलिंग द विद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही बोलना चाह रहा है कि बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें, शेप की बात करें, किसी ऑर्गन की शेप की बात करें, साइज की बात करें, वेट की बात करें, तो ये सारी जो स्टडी की जाती है वो एनाटॉमी के अंदर की जाती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इन फैक्ट थ्रू ह्यूमन एनाटॉमी वी कम टू नो अबाउट द म्यूचुअल फंक्शन ऑफ द of all the organs of our body. For example, as a result of human physiology, we get the knowledge of functions of human heart. Human physiology can be defined as the science dealing with the study of human body function. ठीक है, उसी को थोड़ा डिटेल में बता रखा है इसने कि सपोज बॉडी के अंदर हार्ट है, ठीक है, हार्ट की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह के मसल्स का बना है, और उसकी स्ट्रक्चर के अंदर वो किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, हमें पता है हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं हमारे, ठीक है, और भी उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर के अंदर जो भी है उस कंप्लीट स्ट्रक्चर का अगर स्टडी कर रहे हैं हार्ट की तो उसको तो बोल दिया उसकी एनाटोमी, और हार्ट जो फंक्शन कर रहा है उसको हमने बोल देंगे उसकी
फिजियोलॉजी, बस यही है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के अंदर एनाटोमी और फिजियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है वो जो है यहाँ समझते हैं हम। एनाटोमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन, है ऐसा, क्योंकि एनाटोमी के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की। तो सिंपल सी बात है, अगर एनाटोमी अगर पढ़ते हैं हम, स्टडी करते हैं एनाटोमी की, तो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर वेरियस ऑर्गन, हमें वेरियस ऑर्गन की स्ट्रक्चर जो है उसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ह्यूमन एनाटोमी प्रोवाइड द डिटेल नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वी गेट द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर शेप साइज लोकेशन एंड वेट ऑफ द ऑर्गन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ आर बॉडी। मतलब जैसे ब्रेन है, ब्रेन का कितना वेट है, शेप कैसा है, किस तरह की सेल्स से मिलकर वो बना है। जैसे ब्रेन का वेट होता है अप्रोक्सीमेट 1400 kg, ठीक है, मेल फीमेल में दोनों में अलग होता है, फीमेल के अंदर 1200 kg होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अलग अलग ऑर्गन्स का क्या होता है, डिफरेंट वेट होता है। यहाँ हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा वी कम टू नो अबाउट लेंथ ऑफ वेरियस ऑर्गन सच एज लेंथ साइज शेप ऑफ बोन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एनाटोमी वी गेट द नॉलेज ऑफ परसेंटेज ऑफ वाइट फाइबर एंड रेड फाइबर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। वाइट फाइबर एंड रेड फाइबर का मतलब होता है कि ये एक्चुअली में क्या होते हैं, प्रोटीन्स के ही बने होते हैं वाइट फाइबर और रेड फाइबर। वाइट फाइबर कोलेजन प्रोटीन होते हैं और वाइट फाइबर और जो रेड फाइबर होते हैं वो इलास्टिन प्रोटीन होते हैं, येलो फाइबर जो होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सच नॉलेज द टीचर्स एंड कोचेस वर्किंग इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मे ईजिली सेलेक्ट द सुटेबल स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर शॉर्ट स्टेचर स्टूडेंट्स इन कंपेरिजन ऑफ वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। इन द सेम वे द स्टूडेंट हु हैव मोर परसेंटेज ऑफ वाइट फाइबर्स फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स इन कंपेरिजन विद द रेड फाइबर स्लो ट्विस्ट फाइबर कैन परफॉर्म बेटर द स्प्रिटिंग इवन इंस्टेड ऑफ एडवांस इवेंट्स। देखो यहाँ पर जो फाइबर्स है, चलो मैं प्रोटीन्स की बात कर रहा है ये, और यहाँ पर ये जो वाइट फाइबर है या रेड फाइबर है, इसको हम किस किससे कंपेयर करते हैं, दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो वाइट फाइबर रेड फाइबर, ठीक है। तो वाइट फाइबर जो होते हैं वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स, मतलब हमारी बॉडी, देखो सबकी बॉडी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपने देखे होंगे कई कई जो पीपल होते हैं वो काफ़ी जो है एक्टिव होते हैं, काफ़ी फुर्तीले होते हैं, और कई होते हैं जो इनकी बॉडी काफ़ी लेज़ी होती है, ये हम सब जानते हैं। कुछ में ज़्यादा एक्स्ट्रा, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या होती है, एक्टिवनेस होती है, और कुछ में लेजीनेस होती है, और कुछ मीडियम होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के फाइबर्स, किस तरह के मसल्स जो हैं बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। वाइट फाइबर जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं उनकी जनरली बॉडी क्या होती है, एक्टिव होती है कंपेयर टू द रेड फाइबर। तो यहाँ इसी तरह से यहाँ बोल रखा है कि अगर आपकी, सपोज़ आपकी हाइट कम है, ठीक है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको जो है वेट लिफ्टिंग के लिए हम जो है प्रायोरिटी देंगे, वेट लिफ्टिंग करो आप, ना कि हम बोलेंगे कि आप वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलो, क्योंकि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलने के लिए खिलाड़ी की जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से खिलाड़ी का शेप साइज़ या उसके अंदर किस तरह की फाइबर ज़्यादा है कम है या एक्टिव है, वो एक्टिव है या फिर वो उसकी बॉडी जो है थोड़ा स्लो है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है स्पोर्ट्स चुनने चाहिए, कहने का मतलब इसका ये है। फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन, फिजियोलॉजी प्रोवाइड डिटेल नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वी गेट द नॉलेज ऑफ कैपेसिटीज एंड और कैपेबिलिटी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। हमारा हार्ट जो है किस तरह से परफॉर्म करता है, इसके बारे में जो है अगर हम पता रहे तो
हम अपने हार्ट का अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो गेट अ डिटेल नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो फॉर द इम्पार्टिंग फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम, द ट्रेनिंग इम्पार्ट बाय अ फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच में बी हार्मफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो फिजिकल कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसको अपनी बॉडी का फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि वो अपना अपनी खुद की हेल्प कर सके। कहने का मतलब इसका यही है, यूजफुल इन द प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरीज सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन और कॉन्ट्यूशंस, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, ये सारे स्प्रेन जो है, स्ट्रेन जो है, ये एक तरह की जैसे मोच होती है, लिगामेंट्स टियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन है और कॉन्ट्यूशंस जो है हल्के बॉडी के अंदर जो कट लग जाते हैं, बॉडी के अंदर इंजरीज हो जाती है, उसके बाद फ्रैक्चर हो जाते हैं, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाता है, आर द कॉमन फिनोमेना इन फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये तो क्या है, कॉमन फिनोमेना है, जिसके अंदर मोच आ जाना, लिगामेंट्स टियर हो जाना, स्प्रेन मतलब मोच हो जाना, स्ट्रेन मतलब लिगामेंट्स टियर हो जाना, कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब जो है या बॉडी के अंदर कहीं कट लग जाना, वाउंड हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाना, ये नॉर्मल बातें होती है किसी भी स्पोर्ट पर्सन की, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। जनरली इट इज़ सीन डैट एवरी स्पोर्ट पर्सन फॉल प्रे टू सम और अदर स्पोर्ट इंजरी ड्यूरिंग स्पोर्ट कैरियर। द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैन प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी अप टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, दैट इज़ वाई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट एंड डेलीकेट ऑर्गन्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डेलीकेट ऑर्गन्स जो होते हैं, जहाँ पर लगता है कि यहाँ इस गेम के अंदर इस पोर्शन के, बॉडी के इस पोर्शन में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो उस पोर्शन के अंदर जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट द अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट द म्यूचुअल फंक्शंस, बोन्स, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इज रियली हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। ठीक है, किस तरह से हम अपने मसल्स का, लिगामेंट्स का एक कोऑर्डिनेशन के साथ उसका यूज़ करें, हमें ये पता रहे कि कितना हम जो है, कितना मूव हमारा जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आज क्लास में यही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारा स्टार्ट होगी, सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। ओके, थैंक यू।